इंडिया टीवी आपकी आवाज। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर चर्चा। भारत सऊदी अरब के बीच हुए कई समझौते, दोनों देशों के बीच निवेश को लेकर एमओयू साइन। पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस के साथ पहली रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक के बाद किए साइन। हैदराबाद हाउस में हुई मीटिंग। ज्वाइंट मीटिंग में बोले पीएम मोदी, सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदार, शांति स्थिरता के लिए आपसे सहयोग जरूरी। पीएम ने कहा, भारत वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच कॉरिडोर की ऐतिहासिक शुरुआत, बढ़ेगा आर्थिक सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। अरब के क्राउन प्रिंस ने G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी को दी बधाई, कहा कॉरिडोर बनाने के लिए लगन से करेंगे काम। भारत में G20 समिट पर यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का ट्वीट, वीडियो शेयर कर लिखा, G20 के लिए भारत की एक महत्वपूर्ण यात्रा। G20 समिट के दौरान WTO की DG से मिले पीएम मोदी, मोदी 2.0 किताब पर दिए ऑटोग्राफ। बेंगलुरु पहुंचे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, विधानसभा में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात की। ब्राजील के प्रेसिडेंट बोले, अगले साल G20 की मेजबानी करना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा, G20 के लिए पुतिन और जिनपिंग को करूंगा आमंत्रित, समिट से पहले युद्ध खत्म होने की जताई उम्मीद। G20 सम्मेलन को लेकर सरकार के मुरीद हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर, नई दिल्ली घोषणा पत्र को देश के लिए कूटनीति जीत बताया। शशि थरूर ने कहा, शिखर सम्मेलन बुलाने तक किसी समझौते की उम्मीद नहीं थी, यूक्रेन के संबंध में यह असंभव काम था। G20 पर शशि थरूर की तारीफ पर बोले रविशंकर प्रसाद, उम्मीद है कांग्रेस के बाकी नेता और राहुल को दिखेगी अच्छाई। आंध्र प्रदेश में TDP ने बुलाया राज्यव्यापी बंद, पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार मामले में जुडिशियल कस्टडी का विरोध। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में TDP का प्रदर्शन, सड़क पर जलाए टायर, सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। तिरुपति में भी TDP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चंद्रबाबू की गिरफ्तारी का विरोध, पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में बोले कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध, चुनाव के समय गिरफ्तारी क्यों। लालू यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के चयन का काम करेंगे शुरू, बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे तेजस्वी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का OBC समाज को संदेश, किसी तरह का नहीं होने देंगे अन्याय, आरक्षण कम करना सरकार का मकसद नहीं। पीएम मोदी के बर्थडे को खास बनाने की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्री मांडविय बोले 17 सितंबर को सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगेगा आयुष्मान मेला। पेरिस में राहुल का हिंदुत्व पर बयान, कहा मैंने भी उपनिषद और कई किताबें पढ़ी हैं, बीजेपी जो करती है उसका हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। हिंदुत्व बोले राहुल गांधी, राहुल के बयान के समर्थन में संजय राउत आए, उन्होंने कहा कि दंगे कराना और लोगों को जाति धर्म में जोड़ना हिंदुत्व नहीं है। पूर्व कांग्रेस नेता ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी बीजेपी में शामिल, दिल्ली में राजस्थान बीजेपी चीफ CP जोशी की मौजूदगी में था मदामत। जयपुर में हुई मुस्लिमों की महापंचायत में गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, CM को बताया खलनायक, कहा भस्मासुर है गहलोत सरकार। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, कई मुद्दों पर हुआ मंथन। MP कांग्रेस चीफ कमलनाथ का ट्वीट, MP में कांग्रेस के साथ जनता हताश, BJP नेता खुद उपेक्षा अपमान की कर रहे हैं बात। मध्य प्रदेश में BJP की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए UP के DC ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में बोले ब्रजेश पाठक, पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं से MP के जन जन को पहुंचा लाभ। घोसी उपचुनाव रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव का तंज, पूछा G20 में जी का मतलब घोसी है क्या। मराठा आरक्षण विवाद का हल निकालने के लिए CM एकनाथ शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक की। उद्धव ठाकरे ने देश में एक बार फिर से गोधरा जैसी घटना की आशंका जताई, राम मंदिर के उद्घाटन में जुटने वाली भीड़ के साथ हो सकता है हादसा। संसद के विशेष सत्र पर बोले नाना पटोले, छोटे छोटे राज्यों का ऐलान कर सकती है सरकार, विदर्भ को बना सकती है अलग राज्य। नाना पटोले ने कहा, मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, मुंबई को गुजरात में ले जाने की कोशिश में BJP। अजित पवार गुट को लेकर बोले शरद पवार, उनकी वापसी के दरवाजे बंद। कर्नाटक में BJP JDS का गठबंधन तय, येदियुरप्पा के बाद पूर्व PM HD देवेगौड़ा ने पुष्टि की, कहा सीटों पर होगी बातचीत। HD देवेगौड़ा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सेकुलर नेता होने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने नहीं की बातचीत। सुभा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने किया नया दावा, कहा हम और दारा सिंह चौहान बनेंगे मंत्री, कोई नहीं रोक सकता।
शिवपाल यादव का ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद पर तंज, कहा वो एसपी के स्टार प्रचारक, जहां जाते हैं एसपी को मिलता है वोट। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना, बोले ये लोग भारत, इंडिया और संविधान के दुश्मन। स्वामी प्रसाद मौर्य की जनता से अपील, संविधान विरोधी बीजेपी आरएसएस की 2024 में तय करे विदाई। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में बड़ा घोटाला होने का दावा, पवन खेड़ा बोले जल जीवन मिशन के नाम पर 13,000 करोड़ का करप्शन। पवन खेड़ा ने कहा घोटाला उजागर करने वाले अधिकारी को किया जा रहा है प्रताड़ित, शिकायत के बावजूद जांच क्यों नहीं करा रहा गृह मंत्रालय। सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश, दीपावली से पहले सड़कों को बनाएं गड्ढा मुक्त, प्रदेश में हर सड़क बनाएं बेहतर। लद्दाख की सुरक्षा पर बोले एलजी बीडी मिश्रा, सेना का मनोबल बहुत ऊंचा, कोई भी दुश्मन पैर जमाने की नहीं कर सकता हरकत। यूपी के वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ, जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत के जन्मदिन पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा प्रभु श्री राम उन्हें स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाए। झारखंड के देवघर पहुंचे बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी के साथ बैगनाथ धाम में किए दर्शन। दुमका में पूजा के बाद बोले लालू यादव, देश को बदलने और इंडिया गठबंधन जीत की कामना की। उज्जैन पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, सभी की खुशहाली की मांग की और आशीर्वाद लिया। उज्जैन पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात के बिली मोरा में सोमनाथ मंदिर में जुटे श्रद्धालु, निजा सावन के आखिरी सोमवार में विशेष पूजा। सूरत में नवरात्रि से पहले गरबा की एक्सरसाइज, पारंपरिक तरीके से पोशाक पहनकर लोगों ने डांस की प्रैक्टिस की। बेंगलुरु में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल, सरकार से शक्ति योजना वापस लेने की मांग। बेंगलुरु में निजी ट्रांसपोर्ट यूनियंस का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने वाली शक्ति योजना का विरोध। लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगी बीआरओ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को करेंगे शिलान्यास। आईआईटी जम्मू कैंपस में नॉर्थ टेक प्रदर्शनी का आयोजन, 60 स्टार्टअप समेत 200 कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। आगरा में लगी किताब प्रदर्शनी, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट ने किया आयोजन। महाराष्ट्र के सातारा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, जानकारी पर दो समुदाय में भिड़ंत जमकर हिंसा और आगजनी। हिंसा में एक शख्स की गई जान, कई पुलिस वालों को भी आई चोटें, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात, हिरासत में लिए गए कई लोग। सातारा हिंसा पर बोले संजय राव, 2024 से पहले महाराष्ट्र ही नहीं देश में दंगे की साजिश, हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार। तमिलनाडु के वेल्लोर में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़ी वैन से मिनी लॉरी की टक्कर, 7 महिलाओं की मौत, करीब 10 लोग घायल। थाने लिफ्ट हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई, हादसे की वजहों की जांच में जुटी पुलिस। बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ, मौके पर मची अफरा तफरी। थाने में लिफ्ट हादसे पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। मुंबई के सायन इलाके डिवाइडर से टकराकर कार लगी आग, 2 लोगों की जलकर मौत हुई, 3 लोग घायल। दिल्ली के संगम विहार के दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, 18 साल के लड़के पर 7 से 8 लड़कों ने हमला किया। आरोपी लड़कों ने चाकू से तब तक किया हमला जब तक लड़के की मौत नहीं हो गई, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में महिला की हत्या, बेटी घायल, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। अयोध्या में सुग्रीव किले के सामने कार में लगी आग, पार्किंग में खड़ी कार में आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने इलाके में पुलिस की सफलता, लूट गैंग के 4 लुटेरे गिरफ्तार, बंदूक दिखाकर करते थे वारदात को अंजाम। नोएडा के सेक्टर 30 में बाथरूम में मिला महिला वकील का शव, मौके से पति फरार, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट, भीलवाड़ा में महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने टेररिस्ट रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया, लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी सहयोगियों को रखते थे गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 3 हैंड ग्रेनेड और 30 AK-47 लाइव राउंड बरामद की गई, कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आईडी जैसी संदिग्ध चीज बरामद, बम निरोधक दस्ते में किया गया डिफ्यूज। DRI ने मुंबई में सुपारी तस्करी की कोशिश का किया भंडाफोड़, 32 करोड़ की 371 मीट्रिक टन सुपारी जब्त। MP के धार की भोजशाला में माँ वागदेवी सरस्वती की मूर्ति प्रकट होने की फैली खबर, मूर्ति को गुप्त जगह पर ले जाया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। भोज उत्सव समिति ने की मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित करने की मांग, कहा हम विधिवत पूजन करेंगे। लुधियाना में दुबई से गोल्ड तस्करी का खुलासा, 1 किलो
230 ग्राम गोल्ड के साथ दो तस्कर अरेस्ट, दो पिस्टल भी बरामद। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट से 12.5 लाख के सोने का टुकड़ा बरामद, सिंगापुर से चप्पल में छिपा कर लाया गया था। कर्नाटक के गडग में गोवंश ले जा रहे लड़कों पर हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक शख्स गिरफ्तार, 11,44,000 की विदेशी करेंसी बरामद, 2,000 रहा था यात्री। भरतपुर में टीचर ने छात्र की पिटाई की, पीड़ित छात्र के परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के हाजीपुर में गैंगवार, गोल्ड लूट के आरोपी की बाइक सवार बदमाशों ने की हत्या। आरएन कॉलेज के पास दो बाइकों पर पहुंचे थे 4 बदमाश, शख्स को घेर कर मारी 6 गोलियां, सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के चरखी दादरी में साइक्लोथॉन का आयोजन, नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए सरकार का अभियान। यूपी के बाराबंकी में गिरी कच्चे मकान की दीवार, मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत, 2 लोग घायल। गांव खेत में पानी ही पानी, सड़कें भीगे, फसल पानी में डूबी और किसान परेशान। लखनऊ में भारी बारिश और तूफान, कक्षा 12 तक के स्कूल बंद किए गए, डीएम ने जारी की एडवाइजरी। एडवाइजरी में लोगों से बेवजह खुले में ना घूमने की अपील की, भीषण बिजली कड़कने की आशंका। लखनऊ के जानकीपुरम में बारिश के बाद हर तरफ पानी, सड़क पर गिरा पेड़, लोगों को भारी परेशानी। लखनऊ के एक अस्पताल में भरा पानी, ऑपरेशन थिएटर में पानी से मरीजों को दिक्कतें, पंप से निकाला जा रहा है पानी। कानपुर में भारी बारिश से शहर जलमग्न, सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम। मुरादाबाद में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। यूपी में बारिश तूफान को लेकर एक्शन में सीएम योगी, अधिकारियों को जल निकासी के लिए इंतजाम करने को कहा, फसल नुकसान के आकलन का निर्देश। शाहरुख खान के जवान में एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, एक दिन में कमाई 144 करोड़ रुपए। फिल्म जवान को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा मनोरंजन के साथ जिम्मेदारी भरा संदेश देती है फिल्म। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल, भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग महोत्सव में हुए शामिल।